हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम कैलेंडर पढ़ रहे थे रीजनिंग में, आज मैं स्पेशल वीडियो लेके आया हूं आप सभी के लिए पार्ट 3 कैलेंडर का। पार्ट 2 हम लोग कवर कर चुके हैं। तो पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो विश यू ऑल हैप्पी रक्षाबंधन। तो आप लोग मनाते रहिए, साथ साथ हमारी वीडियो देखते रहिए, पसंद आएंगे तो लाइक भी करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, जैसे कि पिछले कॉन्सेप्ट में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि कैसे डीपीआर का कॉन्सेप्ट आता है, कैसे नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट है और कैसे सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट आता है। ऑड ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। हाँ, एक कॉन्सेप्ट जरूर था कि ऑड ईयर में हम लोग जो लीप ईयर में डिवाइड बाय 4 करते हैं तो सेंचुरी ईयर में डिवाइड बाय 400 क्यों करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पृथ्वी जो होती है सूर्य का चक्कर लगाती है 365 डेज में और 5 आवर 48 मिनट्स और 11 सेकेंड इसमें लगाती है। तो इसको हटा के इतना जो बचता है हमारा, इसको हम लोग राउंड फिगर कर लेते हैं 6 आवर, जो जाके 4 साल में 24 आवर 1 डे हो जाता है कंप्लीट। तो ये जो चीज हम लोग करते हैं यहाँ पर 12 मिनट का ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो ये हमें कहीं ना कहीं कवर करना पड़ेगा। तो इसका हम लोग 100 डेज में लोचा करते हैं, तब जाके हम लोग उसको जो सेंचुरी होता है उसको 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, बट इतना लंबा नहीं जाना, हम लोग उसे नॉर्मल याद रखना है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ दोबारा से कि ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या था हमारा। तो ईयर, मंथ और डेज, ठीक है। ईयर का कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, सबसे पहले आता है हमारा नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं ऑड डेज, सबको पता होगा, 1 मिलता है हमें यहाँ से और यहाँ से मिलता है लीप ईयर। लीप ईयर में मिलते हैं 2, हंड्रेड ईयर कितना बताया मैंने 5, 200 ईयर, सर मैं यहाँ रिवर्स कर देता हूँ, फिर आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, ठीक है। ग्रामर का मिस्टेक मैं नहीं करनी, साथ में लेके चलना आप लेकिन समझिएगा। तो 300 ईयर्स लेके जाएंगे हम लोग, तो वहाँ 1, लास्ट में आता है 400 ईयर्स 0, ठीक है। मंथ में अगर हम लोग देखें तो जो होता है 28 वाला उसमें हम लोग को देते हैं 0, 29 वाला उसमें मिलते हैं 1, 30 मिलते हैं 2, 31 मिलते हैं हमें 3 ऑड डेज। ऑड डेज ये याद रखिएगा, ऑड डेज कभी 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो डेज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देख लीजिए मंडे हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78,
ईयर लीप ईयर 100 इयर्स 200 300 इस तरह से कभी 6 से ज्यादा नहीं होगा, यह बात ध्यान रखिए। मैं ओके तो मैं इसको रेस कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में लिखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन सब क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां पर, आप समझ लीजिएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख दिया, आप समझ लीजिएगा।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, जो सेंचुरी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, ठीक है, हम लोग उसको फाइंड करेंगे। तो मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे हमारा इस साल कौन सा 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, ठीक है, तो अगर आपको 2020 के बारे में निकालना है कि इसके साल का आखिरी दिन कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे, पूरा निकालेंगे क्या 31 दिसंबर पूरा लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2020 का आखिरी दिन निकालना, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम 2020 को ऐसे लिख सकते हैं 2000 प्लस 20, ठीक है, अब 2000 हम मैंने अभी आपको बताया 2000 इज सेंचुरी ईयर, 400 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ से जीरो मिलेगा हमें, इसका मतलब खत्म हो गया, अब हमारे पास रह गया 20, ठीक है, अब 20 हम क्या करेंगे, 20 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, बिकॉज हमें लीप ईयर भी निकालने हैं, तो इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो हमें मिलेंगे 5, तो इस 20 साल में हमारे पास 5 लीप ईयर मिले, वो भी मैं आपको काउंट कर सकता हूँ 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020, 5 काउंट हो गए, तो अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, यानी कि 25, क्योंकि हमें फिर लास्ट में और डेज निकालने होंगे, तो 25 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 * 21 हो जाएगा पूरा, और 4 बच जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा हमारा, और इसको अगर हम 4 मैंने आपको बताया था मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि 4 जो हमारा होगा वो आंसर होगा थर्सडे, ठीक है, तो एक जनरल केस में हमने यहाँ पर थर्सडे निकाल लिया, थोड़ा सा ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, कैन हो गया यहाँ पर, मतलब कौन सा अंतिम दिन हो सकता है ये पूछा गया था, ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे, तो यानी कि आपको थर्सडे मिल सकता है, तो इस ऑप्शन में हमारे कौन से मिल सकते हैं, थर्सडे मिल जाएगा, तो हम थर्सडे को यहाँ पर डाल कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक जस्ट एग्जांपल करके दिखाया था, आप कोई भी नंबर लेके उसको सेंचुरी हटा के उसमें से इस तरह से फाइंड करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, एक और क्वेश्चन करते हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें नहीं समझ में आया हो तो आप उसमें समझिएगा। Which of the following option shows a first day of century? उसमें पूछा गया था last day, उसमें पूछा गया था इसमें पूछा गया first day। ये हमारा question हो गया। Option लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, short में लिख देता हूँ answer, मतलब मैं मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे और संडे, यहाँ लिखता हूँ ट्यूजडे वेडनेसडे सैटरडे और संडे, मंडे ट्यूजडे थर्सडे लास्ट में मिल गया, सैटरडे यहाँ आता है ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे और संडे, तो ये हमारे चार ऑप्शन हो गए, ठीक है, अब इसमें बोला गया, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन कौन से हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं, तो जैसे कि हमने देखा था जो हमने सेंचुरी के डेज निकाले थे 100 डेज, 200 डेज, 300 डेज, 400 डेज, तो चार में हमने क्या निकाला था, सॉरी तो 100 डेज का हमने कांसेप्ट निकाला था, उसमें हमें मिला था 5, ठीक है, 100 डेज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 100 वाले सेंचुरी ईयर की, फिर आता है 200 वाला सेंचुरी ईयर, उसमें मिला था हमें 300 वाला सेंचुरी ईयर आया था, उसमें मिला था हमें 1, और 400 वाला सेंचुरी ईयर आया था, उसमें मिला था हमें 0, ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 500 600 हो सकता है, बट 500 को 400 प्लस 100 लिख सकते हैं, तो बात वही आ जाएगी 5, इसके बाद इन चारों ग्राफों को दूसरा नहीं आएगा,
ठीक है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, फर्स्ट जो सेंचुरी बोला गया है, अब यहां से नंबर आप निकाल लीजिए, फाइव, इसमें क्या होता है, फ्राइडे होता है, ठीक है, ये होता है थ्री यानी कि वेडनेसडे, ठीक है, ये होता है मंडे और ये होता है संडे, इतना पास पता होगा, बताया मैंने, ठीक है। अगर अब ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी आ रहा है, ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, ठीक है, अब फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर लास्ट डे ये है तो फर्स्ट डे आप निकाल सकते हैं, नहीं, अगर हमारा साल का आखिरी दिन फ्राइडे है तो अगले साल का पहला दिन कौन सा होगा हमारा, सिंपल सी बात है, इसमें एक ऐड कर लेंगे, तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक हमारा हो सकता है सैटरडे, ठीक है, एक हमारा हो सकता है ये थर्सडे, फिर एक हमारा हो सकता है ये ट्यूजडे और एक हमारा हो सकता है मंडे, तो ये हमारे पहले दिन हो सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, मंडे ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, ये ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है, तो ये हमारे साल के पहले दिन हो सकते हैं, मतलब सदी के, सॉरी सेंचुरी के पहले बात जो होता है, यानी कि 2001, अगर आप नोट करेंगे, अगर आपको सन 2000 में फ्राइडे मिलेगा तो सन 31 दिसंबर सन 2000, तो 1 जनवरी 2001 को सैटरडे मिलेगा, ठीक है, ये होंगे, मतलब फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी 1 जनवरी आप 2001 का कैलेंडर उठा के देखिएगा, आपको सैटरडे थर्सडे ट्यूजडे मंडे में से एक मिलेगा, ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, तो चलिए अब यहीं पर वीडियो देखते हैं, यहीं खत्म करते हैं, इसके बाद अगले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, बाकी ये पार्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं दो क्वेश्चन के साथ, ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा और आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करेगा, और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम चैनल पे उसका मैं लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।